एक खूबसूरत सी पंक्ति है कि फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसी तरह का हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य का भी है। अगर हम पहले अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान ना दें, सही तरह से खान पान ना खाएं, फिर आने वाले समय में जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो जो अलग अलग बीमारियों का घर बन जाता है, और फिर हम मेडिसिंस लेते हैं, छोटी छोटी बातों में मेडिसिंस लेते हैं, फिर वही जो टैबलेट्स हैं वो बड़ी बीमारियों में हमें जो है तब्दील कर देती है। तो आप सभी का स्वागत है बैक टू नेचर में, और जो आज का विषय है वो है मीजल्स। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कश्यप सर, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर के चेयरमैन हैं, साथ ही नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल सहजानंद ऋषिकेश के सीईओ भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम लोगों को समय दिया, पीएमसी के सारे परिवार को समय दिया। जो आज का जो विषय है सर, है मीजल्स है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये मीजल्स है ये क्यों जानना ज़रूरी है और ये आखिर में है क्या? देखिए, मीजल्स बहुत समय से है, ये मान लीजिए कि सैकड़ों साल से इसका प्रमाण मिलते हैं मीजल्स में। और मीजल्स को आम भाषा में खसरा बोलते हैं, और इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। और मीजल्स यानी खसरा, ये एक वायरस होता है। वैसे तो लाखों वायरस हैं वातावरण में जी सर, लेकिन एक मारवीली वायरस बोलते हैं, मारवीली वायरस, ये उसके कारण होता है। इसको मीजल्स बोलते हैं, आम भाषा में खसरा बोलते हैं जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि इसे खसरा बोलते हैं मीजल्स को, तो अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत में, तो इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को हल्का सा जुकाम आएगा, हमें लगेगा ऐसे वायरल है, जुकाम लगेगा, खांसी लगेगी, उसकी आँखों में थोड़ा लालीपन सा आएगा, है ना, और बुखार लगेगा उसके ऊपर, हल्का बुखार लगेगा, बाद में बुखार बढ़ेगा, और फिर कुछ समय बाद उसके चेहरे पे हल्के हल्के दाने आएंगे, लाल रंग के दाने आएंगे, चेहरे से छाती पे आएंगे, पेट पे आएंगे, कमर पे आएंगे, जांघों पे आएंगे। इसमें समय लगता है जी। तो डॉक्टर जो हम लोग डायग्नोस करते हैं, हम सबसे पहले रोगी का चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, हमें लगता है कि ये जो सिम्टम है उसके, ये खसरा है, इसमें उसको जुकाम भी है, हल्की खांसी भी है, बुखार भी है, और दाने कुछ समय के बाद निकलते हैं। सर, जैसे कि अगर हम भारत देश की बात करें तो 1.4 बिलियन के ऊपर जो है जनसंख्या है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो मीजल से कहीं ना कहीं कारण उसका जनसंख्या भी हो सकता है? नहीं, जनसंख्या से नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस है। वायरस, हाँ। और ये होता क्यों कि यदि कोई मीजल से यानी खसरे से पीड़ित है और उसने खांस दिया या थूक दिया या बोलते समय जो ड्रॉपलेट्स उसके गिरे, तो वो ड्रॉपलेट्स उस रूम के अंदर 2 घंटे तक रहते हैं लगातार, तो उसके आसपास जितने लोग बैठे हैं वो उससे संक्रमित हो सकते हैं जी सर, है ना, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो यदि किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसे तो कुछ नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो तुरंत उसे पकड़ लेंगे। और क्योंकि इसके जो सिम्टम है ये लगभग 7 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं, यानी वायरस ने आपको आज पकड़ा, लेकिन इसके लक्षण दिखाई देंगे वो 7 से 14 दिन बाद दिखाई देंगे, तब पता लगता है कि पेशेंट को मीजल्स ही या खसरा है, ये पता है बाद में लगता है, उस समय पता नहीं लगता। लेकिन कभी कभी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो उसको वायरस ये यानी खसरा मीजल्स हो के और वो ठीक हो जाता अपने आप, मान ली 2 दिन में उसको जुकाम लगा, हल्का सा खांसी लगी, कुछ हल्का बुखार सा लगा, लेकिन वो पूरा पकड़ भी नहीं आया, वो ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो। सर, मीजल्स के प्रमुख कारणों के बारे में बात कर लेते कि क्या ऐसे प्रमुख कॉजेस हैं जिनके कारण ये बीमारी होती है? कारण तो देखिए, सबसे बड़ा जो है वो मारवीली वायरस जो होता है इसके कारण होता है। और इसमें बहुत अधिक देखा गया है कि ये जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं वहाँ से लेके बड़े तक होता है ये, है ना जी, तो उनको होता है। और जिसमें लगातार जो लोग सफ़र में रहते हैं या बहुत ज़्यादा जहाँ एरिया जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, मॉइस्चर है, धूप नहीं आती है, हवा प्रॉपर नहीं मिलती है, इसके इस कारण से ये होता है। और ये छोटी बस्तियों में हम देखें तो वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती और धूप नहीं आ पाती, हवा प्रॉपर नहीं मिल पाती, जो इसका वायरस है वो लगातार हवा में रहता है और फिर वो
लोगों को इन्फेक्टेड करता है। सर अभी जब ये शूट शुरू हो रहा था, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने बोला कि मौसम उस चीज़ का है, तो क्या हम इसको वेदर से किसी जोड़ सकते हैं? ये जिस समय मौसम बदल रहा होता है तो ये वायरस ज़्यादातर उसी समय होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उस समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी उस समय नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मौसम बदला हुआ है यानी गर्मी से सर्दी आ रही है, सर्दी से गर्मी आ रही है, जी ये उस समय होता है। और इसको हमने देखा कि आम भाषा में हम जोड़ते हैं कि माता निकल आई, माता, अच्छा है ना, बोलते हैं ना माता निकल आई हाँ, माता, ये छोटी माता बड़ी माता ऐसे बोलते हैं ना, तो इसके लिए ये माता से भी जोड़ते हैं इसको, यानी माता क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उस समय नवरात्रे का नवरात्र होते हैं उस समय, तो लोगों ने उस धारणा ऐसी कि ये माता निकल आई, माता का प्रकोप है, लेकिन होता वो खसरा है, मीजल्स होता है, एक वायरस से होता है। तो आम भाषा में जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बोलते हैं। सर ये बहुत ही आपने जो है अच्छी बात कही कि जब लोग बोलते हैं कि माता निकल आई, हमारा भारत देश जो है काफ़ी जनसंख्या का देश है, विविधता में यहाँ लोग रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस तरह की जो अंधविश्वास एक तरीके मैं कहूँगा जो लोगों में अंदर है, कितना ख़तरनाक ये मीजल्स की बीमारी हो सकती है? क्योंकि मीजल्स जानलेवा भी हो सकता है और होता ही है, हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख लोग इसमें खसरा के कारण या मीजल्स के कारण मरते हैं, उनकी डेथ होती है। लेकिन अंधविश्वास के कारण कभी कभी जो ग्रामीण क्षेत्र में भी और कुछ शहरी क्षेत्र में भी लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, क्योंकि ये एक वायरस है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, वायरस अपने आप ही जाता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कितना खतरनाक हो रहा है उसको ध्यान रखते हुए, डॉक्टर का प्रॉपर केयर करते हुए उसको ध्यान रखते हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि केवल झाड़ फूँक में, क्योंकि देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में वो झाड़ फूँक करते हैं जी सर, बिल्कुल, कि झाड़ा कर दिया माता उतर जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक समय है, ये एटलीस्ट 15-20 दिन कभी कभी महीना भी निकाल देता है, क्योंकि पहले ये बढ़ता है फिर धीरे धीरे ढलता है। ये आम भाषा में या ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं कि माता अभी उतर रही है, उतराव है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक उसका एक समय होता है, उसका एक काल होता है, उस समय पहले तो ये बढ़ेगा, पूरा निकलेगा बॉडी पे, यानी पहले फेस पे आया, छाती पे आया, पेट पे आया, जांघों पे आया, पीठ पे आया, पूरा उभर आएगा, निकल आएगा, यानी धीरे धीरे, जैसे आज स्टार्ट हुआ तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा निकल आता है, और फिर ढलता तो वैसे ही ढलता है वो धीरे धीरे, कि फेस से कम हुआ, बाकी से कम हुआ, तो लगभग 15-20 दिन 25 दिन लग जाते हैं इसको ढलने में। तो ये इसके कुछ कारण और लक्षण हम देखते हैं पहचानने के लिए कि खसरा यानी मीजल्स है, तो वो उसमें केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर जैसे कि आपने बोला कि ये संक्रमण जो है फैलने से होता है, तो उसमें हेल्थ और हाइजीन का कितना रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इनको पानी नहीं लगाना चाहिए, है ना, या घर में छौंका नहीं लगाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि घर में जिसको घर में ये मीजल्स निकल आया, यानी आम भाषा में माता बोलते हैं, या खसरा निकल आया, तो घर में कोई छौंक नहीं लगाना चाहिए। छौंक का उससे एक साइंटिफिक जुड़ाव भी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में अग्नि में डालते हैं उसको, उसका धुआं निकलता है, तो अल्टीमेटली जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया उस पर जाके लगेगा, नुकसान करेगा, इसलिए उसको मना करते हैं, वो उससे वैज्ञानिक पहलू इसका ये है। लेकिन साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, हमें जो जब लगे कि हाँ इसको खसरा यानी मीजल्स निकल आया है, तो नीम के पत्ते को पानी में बॉयल करके हमें उसको स्पंज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ता है, है ना, यानी आज 102 है, 104 है, 103 है, यानी ऐसे 100 से स्टार्ट होता है और डे बाय डे वो पहले बढ़ता है बुखार बढ़ता है जितना, उतना ही वो बाहर निकलता है खसरा, और जैसे घटता जाएगा तो वो भी कम होता चला जाएगा। सफाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि जरा भी गंदगी लगी तो वो उसको ईचिंग होती है जी, पेशेंट को क्या होता है, खुजली होती है। सर मैं चाहूँगा कि इस विषय पे आप जो है ज़्यादा तवज्जो दें, तो मैं अगर मान लीजिए कोई भी हमारा जो व्यूअर है, कोई भी हमारी पीएमसी की जनता है, उनमें से किसी को मीजल्स है, तो उसे कैसे पता चले, कैसे वो डिटेक्ट करे कि हाँ मेरे को धीरे धीरे जो है समस्या शुरू हो? शुरुआत क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में अक्सर ये वायरस बहुत सारे होते हैं, है ना, किसको इन्फ्लुएंजा है ना, इससे वायरल है, बहुत वायरल चलते हैं, वायरल बुखार है, कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते कि बुखार है कौन सा, हमें लगता है केवल ये वायरल फीवर ही है, लेकिन वो कभी कभी लक्षण उसके ऐसे लगते हैं कि ये वायरल फीवर है जी, लेकिन उस वायरल फीवर के लक्षणों से ही मिलता जुलता ये खसरा के लक्षण होते हैं। उसके हल्के जुकाम भी आएगा, खांसी भी आएगी, सिर में दर्द भी होगा, आँखें भी लाल हो जाएंगी उसकी, ये लक्षण खसरे के भी खसरे के भी। लेकिन जब उसके दाने निकलते हैं फेस पे,
स्टार्टिंग फेस से होगी, कान के पीछे निकलता है स्टार्टिंग, यहाँ से आएगी फेस पे, धीरे धीरे आएगा, ये जब बताया मैंने आपको छाती पे आएगा, सब जगह आएगा ना। ये जैसे आपको लगता है कि दाने निकल आए हैं यानी ये खस रहा है, फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उससे क्या होगा कि डॉक्टर को दिखाने से डॉक्टर प्रॉपर बताएगा आपको, ये डायग्नोस कर लेगा कि आपको ये मीजल्स ही है ना, उसकी आप केयर कीजिए। तो उसमें नहाने को वैसे मना किया था, नहाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सफाई ज़रूरी है, और सफाई करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम नीम के पत्ते का पानी बॉयल कर लें, उस पानी में कपड़ा डिबो के उसको बॉडी को स्पंज करें। यदि बुखार बढ़ता है तो हम उसको स्पंज करेंगे तो बुखार भी कम होगा और उसकी सफाई भी होती रहेगी साथ में। यानी कि अगर किसी को शुरुआती तौर पे ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप नहा के नहीं, आप थोड़ा सा स्पंज बॉडी को स्पंज करेंगे करके, हाँ स्पंज करेंगे, और ज़्यादा होता है तो अगर बुखार ख़त्म हो गया तो पेशेंट को नहला भी सकते हैं, नहाने में कोई बुराई नहीं, उसके लिए प्रॉपर नीम के पत्ते का पानी बॉयल करके उस पानी से नहला सकते हैं, ठंडा करके, गर्म नहीं। सर जो ये खास इशू है हमारा बैक टू नेचर, यहाँ यही है कि हम प्राकृतिक चीज़ों से, नेचुरोपैथी से जो है हम चीज़ों को सही करने के लिए सुझाव देते हैं, और आप खुद एक जो है स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ आप जनता को बताइए कि किस तरह से हम नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से इसकी क्या रेमेडीज़ है, क्या प्रिकॉशंस है। सबसे पहले क्योंकि इसमें मीजल्स में आपको बहुत ज़्यादा खुजली भी होगी इसके अंदर, है ना, और बुखार भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए जो कुछ उपाय हैं, जैसे हल्दी है, कच्ची हल्दी, जैसे अदरक होती है ऐसे कच्ची हल्दी होती है, इसको कद्दूकस करना है, पानी में बॉईल करना है उसको, है ना, और उसमें तुलसी डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, और उसको बॉईल करके वो पानी दिन में कई बार उसको दें सिप सिप करके पिएगी, ठीक है, तो ये उसका अच्छा उपाय है ताकि उसको ईचिंग नहीं होगी। हल्दी जो हो एंटीबायोटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, कहीं स्वेलिंग भी ठीक करती है, साथ में तुलसी तो बहुत सारे उसके लाभ हैं, तो ये पानी वो लगातार पिए। और सबसे ज़्यादा है कि रोगी को जबरदस्ती कुछ ना दिया जाए खाने के लिए, कि आप सब्जी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, जैसे होता है आमतौर पर हम कोई घर में बीमार पड़ते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको ब्रेड देते हैं खाने के लिए, ब्रेड खा ले, खिचड़ी खा लीजिए, तो जिस समय खसरा हो, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चों में ज़्यादा निकलता है, बड़ों में बहुत कम देखने को मिलता है, और एक बार निकल आया तो दोबारा नहीं होता, हाँ क्योंकि निकलने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और जल्दी दोबारा ये चीज़ नहीं होती, है ना, लेकिन यदि हो गई है तो खाने में हम ध्यान रखें उसको, कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, समझदार है, तो उसको फ्रूट्स पे दें, फ्रूट है, जूस है, नारियल पानी है, इस पे रखें, और दाल का सूप, मूंग की दाल का सूप दे सकते हैं, सब्जियों का सूप दे सकते हैं, ताकि उससे उसकी बॉडी की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, पेट भी भरेगा, और जो वीकनेस आती है उसके बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है पेशेंट में, कुछ चलने फिरने में दिक्कत लगेगी, बहुत थका थका महसूस करेंगे, तो वो भी इसका कवर होता है। क्योंकि नमक नहीं देना इसके अंदर, चीनी बिल्कुल नहीं देनी, दो चीज़ रोकनी पड़ती है, नमक, चीनी और लाल मिर्च, या तीन चीज़ आपने उसकी बंद कर दी तो उसको जल्दी रिकवरी भी होगी, और रिकवरी होने के बाद अपने आप को अच्छा हेल्दी फील करेगा। जी सर, आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई, मेरे को भी एक बचपन का एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो गया, कि एक बार किसी को अगर माता हो गए बचपन में तो बोलते थे दूसरी बार नहीं, तो इसके पीछे का सर साइंटिफिक रीजन या जो भी रीज़न है थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। साइंटिफिक रीजन है कि ये जो मार्बली वायरस है ये होता लाइफ में एक बार ही है, और उस इसको होने के बाद आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप नेचुरल बढ़ जाती है, ये इसका साइंटिफिक रीजन है, तो इसलिए दोबारा नहीं। बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे ये मीजल्स दोबारा हुआ, बहुत रेयर केसेस हैं। सर मैं कल इसी मीजल्स नाम की बीमारी पे एक आर्टिकल पे सरसरी नज़र डाल रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे देख के थोड़ा अचंभित हुआ, मैं शॉक्ड हुआ कि एटलीस्ट 2010 से 20 तक के मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें कम से कम 5,500 पता नहीं कितने हज़ार लोगों की संक्रमण हुआ, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो कितनी भयंकर ये भयावह बीमारी हो सकती है। ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, यानी अगर मीजल्स हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में प्रॉपर रहना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है डॉक्टर को आप कांटेक्ट करें, संपर्क करें, क्योंकि ये देखा गया है जो एज़ पर WHO के रिकॉर्ड के अनुसार एशिया और अफ्रीकन कंट्री में सबसे ज़्यादा होता सबसे ज़्यादा है ना, और डेथ जो रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, कभी कभी सीधा ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए हम अगर ना प्रॉपर केयर करें उसका, खाने पीने का ध्यान रखें,
और हाइजीन का ध्यान रखें और कोशिश करें कि उसको प्रॉपर हवा जो है नेचुरल हवा उसको मिलती रहे। सर जब भी आप बैक टू नेचर शो में आते हैं किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि आपने खान पान के विषय में जानकारी नहीं दी हुई, तो हम चाहते हैं कि आप खान पान के विषय में भी थोड़ा बात करें। खान पान में देखिए अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको खिचड़ी दे सकते हैं, है ना, उसको दाल का सूप दे सकते हैं, दाल का सब्जियों का सूप दे सकते हैं, फ्रेश जूस दे सकते हैं। जूस कभी भी पैक जूस नहीं देना, उसमें कंटेंट में बहुत ज़्यादा उसमें शुगर ज़्यादा होती है और वो एक तरह से नुकसान करते हैं। जो भी जूस कभी देना है किसी को भी देना है तो फ्रेश जूस देना चाहिए, और फ्रेश जूस वो देना चाहिए जो जिस मौसम में जो फल आ रहा है उसका देना चाहिए जी। ये नहीं कि हम एप्पल जूस दे रहे हैं लेकिन सीजन एप्पल का नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसमें सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जैसे संतरा है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, ये बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, ये फ्रूट दे सकते हैं, इसका जूस दे सकते हैं, इसके साथ में अनार का बहुत अच्छा रोल है इसमें, अनार दे सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं। ये जूस जब देंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी उसकी, और उसको जो अंदरूनी जो वीकनेस है वो कमज़ोर भी ठीक होगी उसकी, और बहुत जल्दी रिकवरी होगी उसकी। जो समय लंबा लगने वाला था, उसको 20 दिन लगने वाले थे, वो सब जल्दी रिकवर हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशन भी कम होगी, खुजली है, बेचैनी है, वो सब नहीं होगी। सर जब भी मीजल्स नाम की बीमारी होती है अक्सर हम घमोरिया जैसे कुछ होते हैं तो हम किसी तरह का पाउडर यूज़ करने लग जाते हैं, तो क्या वो यूज़ करना ठीक है, कितना पाउडर? बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस पर, क्योंकि पाउडर में कई केमिकल्स मिलते हैं। आपको यूज़ करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप नीम और हल्दी आपने बताया ना, नीम हल्दी का और तुलसी पानी बॉयल कर लीजिए, उसका कम मात्रा में लगभग 2 लीटर पानी बॉयल कर लीजिए, उसमें उस पानी से आपका कोई रुमाल या छाटो टावल को डिप करके स्विच करके और बॉडी पे लगाइए आपको, ताकि उसकी खुजली भी नहीं होगी उसको, और जो इन्फेक्शन का डर है वो भी नहीं होगा। तो सर जैसे कि आपने मीजल्स में बोला कि माता आना होता है, तो कई ऐसे एक और बात है कि चिकन पॉक्स को भी माता कहते हैं, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है या डिफरेंसेस क्या है? हाँ देखिए, आम भाषा में जो चिकन पॉक्स है और स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी देखने को मिलती है। और मीजल्स में फ़र्क ये है कि मीजल्स जो होगा वो आपका जल्दी ठीक हो जाता है, उसको आम भाषा में बोलते हैं छोटी माता, है ना, उसको बोलते हैं बड़ी माता, ऐसा आम भाषा में बोलते हैं। तो ये इसमें दोनों में फ़र्क है, और उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्मॉल पॉक्स में, तो उसमें दोनों में ये अंतर है कि मीजल्स जो है हाँ, मीजल्स में कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं, डेथ रेट कम होता है, लेकिन उसमें दिक्कत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। सर जैसे कि आपने बोला कि हमारी जो इंसान की रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी होती है, जीवन में एक ना एक बार मीजल्स क्या होना ज़रूरी ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना ज़रूरी है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है और आपका रहन सहन खान पान कैसा है। हम छोटे बच्चों की बात नहीं कर सकते क्योंकि मीजल्स से ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। अच्छा, बड़ों में बहुत कम इसके केस मिलते हैं, जो बच्चे 1 साल से ऊपर हैं उनमें हम देखते हैं मीजल्स के केस ज़्यादा आते हैं। सर इसके पीछे का कारण क्या है कि जो या इम्यूनिटी कारण है या कुछ और कैसे कारण? इम्यूनिटी का इसका कारण इम्यूनिटी है, बच्चा जैसे बड़ा हो रहा होता है तो क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है, आसपास किसी ने छींका खांसा या किसी ने कोई भोजन खाना है जो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका हाथ उसमें लग गए, खाने के अंदर लग गए, कप में लग गए, गिलास में लग गए, वही चीज़ बच्चों ने छू ली तो बच्चों में जल्दी इसका इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए ये जो वायरस है बच्चों पर जल्दी असर करता है। सर मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने बहुत चीज़ों के बारे में मीजल्स में बात कर ली कि लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ्या भी है और साथ ही साथ घरेलू उपाय भी लोग कर सकते हैं इससे बचने के लिए, तो और क्या एडिशनल इसमें नीम के जो आपने बताया कि रब करना है बॉडी पे जो भी, उसके अलावा और क्या? नहीं, जैसे मैंने बताया कि नीम हल्दी और तुलसी इसका पानी बॉयल करके है ना उसके स्पंज कर सकते हैं जी, ठीक। और बाकी कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे मान लीजिए गाय का जो उपला है, गाय उसे बोलते हैं जो गाय देसी गाय है। अच्छा, है ना, गिर है, साहीवाल है, ऐसी हरियाणवी गाय जो देसी गाय है, एक जर्सी गाय होती है उसे गाय नहीं मानते, वो पशु मानते हैं उसको, है ना, क्योंकि वो सुअर के और दूसरे उस मिश्रण से बनता है तो इसलिए वो गाय नहीं है, उल्टा नुकसान करती है। यदि देसी गाय का आपको गोबर का उपला बना हुआ मिलता है तो उस उपले का धुआं आप कर सकते हैं, तो वो धुआं ऐसा रहे कि वो वातावरण को थोड़ा, क्योंकि इसमें वायरस है
और वो वायरस जो है बच्चे को, यानी बच्चे को हुआ या बड़े को इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को ना हो, है ना। तो हमने अपने वातावरण को शुद्ध करना है। और जो यज्ञ हम लोग करते हैं, कई लोग यज्ञ करते हैं, या कुछ ऐसी सामग्री होती हैं, हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री होती हैं, उनका भी धुआं किया जाए तो उस वायरस को ख़त्म करने में बहुत आसानी रहती है और बहुत लाभदायक होता है पूरे परिवार के लिए और आस पड़ोस के लिए भी। क्योंकि एक बार मेजर्स किसी को होता है तो ये इसको फैलने का खतरा होता है, किसी को भी हो सकता है, उस परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है। क्योंकि ऐसा माना गया कि किसी ना किसी बहाने से हम लोग जो हमारा पेशेंट वाले एक रूम के अंदर है, हम कोई उससे मिलने आया, देखने आया, तो उसको भी हो सकता है, क्योंकि ये तो वायरस है और फैलता ही फैलता है ये। तो जिसकी, जिस परिवार की या जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है उसको नहीं होगा, दूसरों को नहीं होगा, लेकिन किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसे हो सकता है। इसलिए बच्चों को दूर रखते हैं वहाँ जाने से। यानी कि सर ये आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी, अगर किसी व्यक्ति को मीजल्स है, बच्चे को, किसी को, तो उस वक्त उस समय पे उससे मिलना जो है ठीक नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरों में भी, जिस परिवार में मीजल्स होता है तो उस परिवार में देखा होगा आपने उसके दरवाजे के बाहर में नीम की पत्ती, नीम की पत्तियाँ वो टांग देते हैं। उसका कारण ये कि नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरस है ना, तो इसलिए टांग देते हैं। क्योंकि वो एक धारणा बन गई, ऐसा करना चाहिए कि इसमें, ताकि इसको दिक्कत ना हो, लेकिन साइंटिफिक वे पहलू ये है उसका कि उस नीम की पत्तियों से जो वायरस है वो आगे फैलेगा नहीं, लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रभाव उसका देगा। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि वो धारणा चली आ रही है, लोग उसका प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप से वो अच्छा भी करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, नीम के पत्ते और हल्दी और तुलसी का पानी बॉयल करके अगर यूज़ करेंगे तो आगे फैलेगा नहीं, रुका रहेगा। सर हमने देखा है कि हमारे भारतीय सभ्यता में, वैसे बाहर भी, लेकिन नीम का बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल है, तो कहीं ना कहीं मीजल्स की बीमारी के लिए भी नीम जो है काफ़ी कारगर है, महत्वपूर्ण है। सर बैक टू नेचर में फिर से बात कर लेते हैं हम, जैसे कि हमारा जो अंतिम क्वेश्चन रहता है वो मेडिटेशन और योगा के ऊपर रहता है, तो योग और मेडिटेशन किस तरह से कारगर है इस बीमारी में? देखिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल 2 साल 3 साल का है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम योग मेडिटेशन के संबंधित कोई भी संगीत बजाते हैं उस कमरे के अंदर, है ना, कोई मंत्र बजाते हैं, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो साउंड है वो पूरे वातावरण में घूमता है, प्रभाव कहीं ना कहीं उसके शरीर पे पड़ेगा, उसके मस्तिष्क पे पड़ेगा और पॉजिटिव एनर्जी आती है बच्चे में, ठीक है। ये लेकिन जो बड़े हैं, जो समझते हैं, तो वो ध्यान में योग निद्रा कर सकते हैं जी, है ना, प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम करने से क्या, जो इंटरनल जो उनकी पावर और बढ़ती है, क्योंकि बाकी तो फिजिकल नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो रिकवरी जल्दी होती है जी, क्योंकि हमारी एनर्जी जो पूरा फुल फोर्स में रहती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जल्दी हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ध्यान का, योग का, लेकिन योग में केवल प्राणायाम, प्राणायाम हाँ, क्योंकि बाकी फिजिकल, क्योंकि आप शरीर से इतना कमजोर होते हैं, आप योग में आसन नहीं कर सकते, लेकिन प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, यदि बड़े हैं तो योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा के बहुत सारे अलग अलग अपने PMC के जो म्यूजिक आता है वो उसको हिसाब से कर सकते हैं। सर जैसे कि बोला, हमारी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी बन चुकी है कि हम जब भी बीमारी जब हमें लगती तब हम उसके इलाज के पीछे, योग के पीछे, मेडिटेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन सर कितना सही होगा इन सबको, बीमारियों को दूर रखने के लिए पहले करना इन सब चीज़ों को? ये तो अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ऐसा अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है कोविड के बाद से, लोगों ने योग और ध्यान को अपने जो दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया है। जो शामिल कर रहे हैं उनकी फिजिकल और मेंटल पावर बढ़ती जा रही है और उनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है, उनके डिसीजन की जो लेने की ताकत है वो भी बढ़ती जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में योग ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, करना अवश्य चाहिए, जब भी समय मिले, सुबह मिले, शाम को मिले, दिन में मिले, जब भी आप यदि ध्यान प्रॉपर करते हैं, क्योंकि ध्यान लगने को तो आपको ध्यान 1 मिनट लग सकता है, नहीं लगने को आप घंटों बैठे रहे ध्यान में नहीं लगेगा, है ना, लेकिन फिर भी आप अभ्यास करेंगे तो एक समय आता है जब आपको ध्यान लगना शुरू होता है और फिर आपकी इंटरनल और आउटर पावर बढ़ने शुरू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, PMC परिवार के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कश्यप और PMC हिंदी का परिवार, और मैं आपसे कहता हूँ कि योग को और मेडिटेशन को अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में लाइए और अपने को स्वस्थ और सुखी जीवन बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार। PMC.